हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन साइमन। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप और आपकी फैमिली में सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आया था इंडिया गेट। अगर आप भी मेरे साथ इंडिया गेट घूमना चाहते हैं तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर ले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी इस वक्त हम आए थे इंडिया गेट और मेरे साथ आई है सोनम, कैरोलिना और साइमन। और आठ साल बाद हम इंडिया गेट आए हैं दोबारा से और काफी अच्छा लग रहा है और यहाँ पे काफी कुछ चेंज भी हो चुका है। और आप देख सकते हैं यहाँ के नाइट व्यूज और काफी क्राउड है इस टाइम पे। और यार, रात में घूमने का यहाँ पे एक अलग ही मजा है। जब से इनोवेशन हुआ है दोबारा से इंडिया गेट का, तो काफी अच्छा लग रहा है। काफी सारी चीजें नई नई यहाँ पे हो चुकी है। बहुत अच्छा लग रहा है। नाइट में ज्यादा अच्छा है, बहुत अच्छा है। नाइट में बहुत बदल चुका है इंडिया गेट, काफी अच्छी होता पहले से और अब में काफी फर्क हो गया है और काफी मजा भी आ रहा है नाइट में घूमने में। मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ शादी के बाद, अच्छा लग रहा है। तो काफी अच्छा लग रहा है और देख सकते हैं। हेलो मैडम। इससे पीछे की तरफ है हमारे प्रेसिडेंट हाउस और पार्लियामेंट हाउस, करीब यहाँ से 1.5 किलोमीटर है। और फ्रंट साइड में है मेरे इंडिया गेट, दिखाता हूँ आपको। ये फ्रंट साइड में इंडिया गेट है और आप देख सकते हैं अपना इंडियन फ्लैग जो कि इंडिया गेट पे रखा गया और काफ़ी अच्छा लग रहा है। काफ़ी सुंदर लग रहा है यार ये लाइटिंग। और एक बार यहाँ के आप नज़ारे देख लीजिए, काफ़ी खूबसूरत यहाँ के नज़ारे। तो दोस्तों, जैसे कि पहले हम इंडिया गेट जाने के लिए यहाँ से रोड क्रॉस कर लिया करते थे 32, तो अब हमें यहाँ से नहीं, हमें जाना होगा अंडरपास से, जो कि अपनी मैं पिछली वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ। तो अंडरपास है इस तरफ, तो अब हम जाएंगे इस साइड और अंडरपास से क्रॉस करके सीधा निकलेंगे इंडिया गेट की तरफ। तो भाई, अभी शॉपिंग यहाँ पे शुरू हो चुकी है कैरोलिना और साइमन की। और साइमन क्या लिया है आपने? ये साइमन, साइमन क्या लिया बेटा आपने? ये ओ, और आपने क्या लिया कैरोलिना? ये क्या है? क्या कैसे चलती है ये? ऐसे? तो काफी एंजॉय कर रहे हैं। और छोटा बच्चा, भाई बच्चों के लिए तो खूब मजा आने वाला है। और लोग आप यहाँ पे देख रहे होंगे, काफी सारे लोग यहाँ पे मतलब पिकनिक करने आ रहे हैं। पिकनिक तो यहाँ पे मतलब शुरू से ही रहा है यार, खासतौर पर लोग यहाँ पिकनिक ही करने आते हैं और काफी अच्छा लगता है यहाँ पे। तो अभी चलते हैं हम और यहाँ से हमें करना होगा इंडिया गेट के लिए रोड क्रॉस। जैसे कि पहले हमें रेड लाइट से रोड क्रॉस करना पड़ता था, तो अब वहाँ से एंट्री जो है वो बंद कर दी गई है। अब हमें निकलना होगा इस अंडरपास के थ्रू, जो कि काफ़ी अच्छी ही बात है। और ऊपर से रोड क्रॉस करने में एक तो ट्रैफिक भी हो जाता था और एक्सीडेंट के चांस भी रहते थे, तो ये काफ़ी अच्छा हो चुका है इस वक्त कि अंडरपास से इसके क्रॉसिंग कर दी गई है। और जैसे हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तो सीधा इंडिया गेट के पास हम पहुँच जाएंगे। तो ये वॉल्स पे आप देख सकते हैं कुछ जानकारी इंडिया गेट के बारे में दी गई है। और क्राउड यहाँ का एक बार आप चेकआउट कर लें, मतलब यार क्राउड तो शाम के टाइम बहुत है, क्योंकि ज़्यादा मज़ा यहाँ पे आपको शाम को ही आने वाला है, क्योंकि यहाँ का जो लाइटिंग सिस्टम है काफ़ी अच्छा है और काफ़ी इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं। और साइड में कुछ वॉल्स आप देखते हुए चल सकते हैं जो कि इंडिया गेट के बारे में दर्शाया गया है। और
अंडरपास से थोड़ी देर में हम निकलने वाले हैं और सीधा हम पहुंच जाएंगे इंडिया गेट की तरफ और फोटोशूट यहाँ पे चल रहा है। काफ़ी कुछ चेंज हो गया है और ये इस साइड इंडिया गेट, इधर विजय चौक डायरेक्शन। काफ़ी इंजॉय करते हुए बच्चे, निकल चुके हैं हम बाहर और आपको दिख ही रहा होगा सामने इंडिया गेट। अभी और पास चलते हैं हम। काफी खूबसूरत लग रहा है और क्राउड देख सकते हैं यार, क्राउड एकदम हसाठस बिल्कुल एकदम यार। कैरोलिना अपनी साइकिल चलाते हुए, कैरोलिना सोनम अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है कैरोलिना, अच्छा लग रहा है, हाँ मजा आ रहा है। साइमन डर्ट बाइक चलानी है तो डर्ट बाइक तो हमें वहीं मिलेगी जहाँ से अभी हम आए हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ के नज़ारे और यहाँ का क्राउड। मतलब इस टाइम और ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, और पानी की वजह से इस साइड थोड़ा ठंडा ठंडा सा भी लग रहा है। देख सकते हो आप फाउंटेन, तो काफी सुंदर लग रहा है और एक बार आप व्यूज देख लिए। पीछे हमारा इंडिया गेट साइड है, इस साइड थोड़ा अच्छा लग रहा था ना, ठंडा ठंडा सामान अच्छा लग रहा है इस टाइम में। तो अभी चलता आगे की तरफ हम। और दोस्तों उस साइड है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का मूर्ति और अभी चलते हैं उस साइड। तो अभी आगे चलते हैं नेताजी सुभाष चंद्र जी की मूर्ति के पास।
तो दोस्तों इस साइड है हमारे नेताजी सुभाष चंद्र जी की मूर्ति और ठीक हमारे बैक साइड में है इंडिया गेट। तो काफ़ी अच्छा इनोवेशन इस वक्त इंडिया गेट पर हो चुका है, और आप अगर पुरानी वीडियोस में कुछ देखेंगे तो इतना कुछ था नहीं, और आप काफ़ी कुछ यहाँ पे नया हो गया है। और अभी दोस्तों रात के हो रहे हैं 9:30, और यहाँ का क्राउड आप देख सकते हैं, लोग ज़्यादातर नाइट में आते हैं यहाँ पे, और क्योंकि यहाँ पे लाइटिंग जो है वो काफ़ी अच्छी दिखती है, और मौसम भी मतलब मई जून के महीने में तो यार रात को ही ठीक है। देखो कैरो थक गई, अब कैरो कह रही मम्मा गोदी, अगर कहीं घूमने आते तो बच्चे गोदी में चढ़ते हैं, खेलते हैं, इतनी सारी पब्लिक को देख के बच्चे खेलते हैं। साइमन कह रहे पार्क में चलो मम्मा, साइमन पार्क में जाना है। हाँ, पार्क में जाना। तो सोनम भी अभी छोटे बच्चे बन चुके हैं कैरोलिना के साथ, और देखो सोनम बचपन में भी चलाई है ऐसी बचपन में कभी मिली नहीं देखने को। टायर चलाते थे ना, टायर लकड़ी। हमने तो ये सब चीजें चलाई नहीं भाई बचपन में, आजकल के बच्चों को तो बहुत कुछ खेलने को मिल जाता है, काफी अच्छे अच्छे खिलौने मिलते हैं, हमें तो ये भी सब नहीं मिला। तो दोस्तों काफी ज्यादा चलने के बाद हो गए पूरी थकावट हम तो, और थोड़ी देर हम यहाँ बैठ गए हैं। बच्चे बोल रहे मम्मा थोड़ा सा बैठ जाओ, चलो बैठते, मगर वो फिर खुद ही खेलने लग गए हमें बिठा के। बच्चे बच्चों को कहाँ थकावट होती है, बच्चों को तो खेलने के लिए चाहिए, और काफी मजा आया यहाँ पे घूम के, हमें काफी अच्छा भी लगा। दोस्तों आपको ये इंडिया गेट वाली वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर दबाना, हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।